यहाँ पे हम किचन में आ चुके हैं और आज हमारे मेनू में है कढ़ाई पनीर की रेसिपी। और कढ़ाई पनीर की रेसिपी आप सबके साथ हम शेयर करेंगे। सो ये हमने इतनी सी प्रिपरेशन कर ली है, आप देख सकते हैं 5 टमाटर है और 4 अनियन है, और ये गार्लिक के पीस कर दिए हैं, और इसमें है काजू और ये है ग्रीन चिली। सो इसको हम पहले सोते कर देंगे, थोड़ा सा नरम हो जाए, बाद में ठंडा होके इसको मिक्सी में पीस देंगे। सो आगे की प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो ये हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, और इसमें हम सब ये वेजिटेबल डाल के गार्लिक अनियन और टमाटर डाल के भून लेंगे अच्छे से। हमने 200 ग्राम पनीर के हिसाब से सब्जी बना रहे हैं, सो आप पनीर के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं अनियन टमाटर का। तो इस तेल हमारा गरम हो चुका है और इसमें हम डाल देंगे। यहाँ पे हमारे अनियन पक रहे हैं और ये थोड़े से अच्छे से पक जाए, बाद में हम टमाटर डाल देंगे। अभी हमने इसमें टमाटर भी डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी टमाटर सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे हमारा अनियन और टमाटर सब पक के रेडी हो चुका है, थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखा है, ठंडा हो जाए बाद में इसको मिक्सी में हम पीस देंगे। यहाँ पे कैप्सिकम, पनीर और अनियन भी कट कर लिए हैं, क्योंकि कढ़ाई पनीर बनानी है इसलिए इसको पहले फ्राई हम करेंगे, तड़का लगाएंगे इसका। सो इतनी प्रिपरेशन हमने कर लिए है, बाद में ग्रेवी बना के आगे की प्रोसेस आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया थोड़ा सा दही, क्योंकि यह पनीर वगैरह को हम मैरिनेट करेंगे, क्योंकि अच्छा टेस्ट आता है मैरिनेट करने से। और अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मेथी डालेंगे क्योंकि कसूरी मेथी का टेस्ट अच्छा आता है पनीर की सब्जी में, और इसको अच्छे से अभी मिक्स कर देंगे। तो ये स्पेशल ट्रिक है कढ़ाई पनीर की, जो आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। हमने इसमें पनीर, कैप्सिकम और अनियन डाल दिया है, सो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे क्योंकि कोटिंग लग जाएगी दही की, और थोड़ी देर अभी हम रख देंगे इसे। आप भी इस ट्रिक से ट्राई करना, अच्छा बनेगा पनीर। ऐसे सब कुछ हमने मिक्स कर दिया है, क्योंकि ग्रेवी में भी हमने मिर्ची डाली है, तो इसमें थोड़ी सी कम ही रखी है, क्योंकि हमारे घर में तीखा कम खाते हैं, आप अपने हिसाब से देख लेना कम ज़्यादा। तो अभी इसको अभी हम रख देंगे, थोड़ा सा मैरिनेट हो जाए, बाद में हम इसको तड़का लगाएंगे। मिक्सचर हमारा हो गया ठंडा, अभी हम इसको मिक्सचर में पीस लेंगे, उसकी ग्रेवी बना देंगे। पे हमारी ग्रेवी बन के तैयार हो, ये हमने ग्रेवी बना लिया है, आप देख सकते हैं कलर बहुत ज्यादा अच्छा आया है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा तेल लग दिया है, आप देख सकते हैं, इसमें हम ये फ्राई करेंगे मैरिनेट किया हुआ पनीर। तो अभी तेल आ जाए, बाद में हम इसको डाल देंगे इसमें। हम इसमें डाल देंगे पनीर, इसको अच्छे से फ्राई कर देंगे हम। हमने बड़ी सी कढ़ाई में रख दिया है तेल, पहले हम इसमें ग्रेवी डाल देंगे। अभी हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, बाद में अभी जा रही है इससे ग्रेवी। अभी इसमें डाल देंगे हम पंजाबी मसाला। तो अभी इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी मलाई घर की बनाई हुई, ये हमने थोड़ी कसूरी मेथी,
तवे पे थोड़ी सी भून ली है, थोड़ी सी है, ज़्यादा अगर फ्लेम होगी ना तो वो जल जाएगी फटाफट से, तो थोड़ी से ही भूनना है। इसमें डाल दिए हमने कसूरी मेथी, अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत बढ़िया कलर आ रहा है, सो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर आया है। आप भी बना सकते हैं इस तरीके से तो बहुत अच्छी लगेगी। सो अभी हमने इसमें डाल दिया है पनीर, कैप्सिकम, अनियन जो हमने मैरिनेट किया था, अभी इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये हमारा बनके रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत देखने में ही बहुत यम्मी लग रहा है। सो आप भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना कि कैसी लगी हमारी रेसिपी। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह के मसाला भून चुका है। यहाँ पे हमारी सब्जी बनके रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं।